नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सूद और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। यूं तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हम सब खुशी के पल बहुत ही मुश्किल से निकाल पाते हैं, हम सभी अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत वादियों में मौज मस्ती के लिए ट्रिप प्लान करते हैं या एडवेंचर्स भी प्लान करते हैं, जो आज की यंग जनरेशन को काफ़ी पसंद भी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये मौज मस्ती हमें मौत के घाट भी उतार सकती है? ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसे याद करके आज भी लोग सहम उठते हैं। जिंदगी के भागदौड़ बड़े सफर में कुछ घटनाएं हमेशा यादों में बनी रहती हैं और उन्हें भूलना मुश्किल होता है। ऐसी ही घटना कसौली तहसील के परवानू क्षेत्र में अक्टूबर 1992 में हुई थी, जब 10 लोगों की सांसें हवा में अटक गई थी। आज भी लोग उस समय को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। 3 दिन तक यहां पर 10 लोगों की सांसें हवा में अटकी रहीं। दरअसल 11 अक्टूबर 1992 को कालका शिमला नेशनल हाईवे पर स्थित परवानू के समीप बने टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट में चलने वाली रोप वे ट्रॉली में पर्यटक बैठकर जा रहे थे, तो सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर ट्रॉली अचानक एक झटके के साथ रुक गई। अंदर बैठे लोगों समेत ही ट्रॉली तार पर पेंडुलम की हिचकोले खाने लगी। काफी समय के बाद भी ट्रॉली ना आगे बढ़ी ना वह पीछे हट पाई। अंदर बैठे पर्यटकों में भी इससे खलबली मच गई थी। ट्रॉली में अटेंडेंट समेत 12 लोग मौजूद थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। इसी दौरान ट्रॉली अटेंडेंट गुलाम हुसैन ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी थी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दरवाजा बंद होने से पहले ही एक व्यक्ति भी गिरने से घायल हो गया था। रेस्क्यू के लिए कसौली में सेना को संपर्क किया गया। शाम 6 बजे कसौली में सेना को इसकी जानकारी दी गई। वहां से वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर से सेना को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर से ट्रॉली तक पहुंचने के काफी प्रयास किए। घटना के एक दिन बाद भी यात्रियों को बाहर निकलने में सफलता नहीं मिली तो विशेष कमांडो दस्ते को बुलाया। 13 अक्टूबर को इस दस्ते के मेजर क्रेस्ट्रो हेलीकॉप्टर के साथ ठीक ट्रॉली के ऊपर पहुंचे और रस्सी की सहायता से छत पर उतरे। एक एक करके सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके अलावा भी एडवेंचर के दौरान कई लोग हादसे में अपनी जान खो बैठे हैं। अक्सर हम पैराग्लाइडिंग के दौरान किसी की जान जाने की खबर सुनते ही रहते हैं, या कुछ लोग जो मौज मस्ती के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि छोटी सी गलती से भी उनकी जान चली जाती है। जिंदगी में मौज मस्ती करना गलत नहीं, बस हम तो यही कहेंगे, मौज मस्ती के साथ सावधानी का भी ख्याल रखें। पंजाब केसरी दिल्ली। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।